वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग येस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो येस बैंक की स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते देखिए, येस बैंक रिसेंटली 13 लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि एक सपोर्टिव लेवल है 13 लेवल येस बैंक स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मॉर्निंग में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया गया था, तो वहां से बाउंस बैक हो गया था। रिसेंटली फिर से सेम लेवल पे आके यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ नजर दे रहा है येस बैंक लिमिटेड स्टॉक। तो यहाँ पे देखा जाए तो येस बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात भी की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज ओपन हुआ था 13.20 पे ओपन हुआ था, फिर हाई बना था 13.25 का और लो 13, जहाँ पे सपोर्टिव लेवल पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 13.25 पे ही, यहाँ पे आप देख सकते हो। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन 5,89,000 मीन्स 89,956 का यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है। तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 करोड़ के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम है आज के दिन का, और ट्रेडेड वैल्यू भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक जो हाई 16.90 का बनाया था, फिर यहाँ पे लो प्राइस बैंड और लोअर अपर प्राइस बैंड के प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हो। तकरीबन अभी आप देख सकते हो कि बाय क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी में देखा जाए तो टोटल सेल क्वांटिटी ज्यादा है, 2 करोड़ के ऊपर टोटल सेल क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हो। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बैंक लिमिटेड स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो न्यूज थी वो यहाँ पे आप देख सकते कि फंड राइजिंग की न्यूज थी वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो पोस्टल बैलेट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे येस बैंक लिमिटेड स्टॉक का, येस बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो, डियर सर्स, पोस्टल बैलेट नोटिस डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो ये लेटर का जो वजह है यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो सब्जेक्ट मेन है जो वो भी यहाँ पे आप देख सकते, टू ऑथराइज राइजिंग ऑफ कैपिटल थ्रू द इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। मींस यहाँ पे आप देख सकते, राइजिंग ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल राइज करने का है जो इक्विटी शेयर्स और यहाँ पे अदर सिक्योरिटीज के थ्रू, टू अप्रूव द मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी रेजुलेशंस। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन यस बैंक जो फंड राइजिंग कर रहा है उसकी यहाँ पे न्यूज है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्लेनरी स्टेटमेंट डेटेड, ये टोटल न्यूज है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं टोटल लेटर। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि यस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया तो 32,622 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। करंट प्राइस चालू है 13 की, 52 वीक लो 52 वीक हाई की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप 52 वीक लो देख सकते हो 10.5 का है और हाई है 16.9 का। आरओसी की भी बात किया तो आरओसी भी देख सकते हो 3.15 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी है -12.6 का। तकरीबन फेस वैल्यू ₹2 का है और डेप्ट जो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो 2,26,000 करोड़ का टोटल डेप्ट है, यानी कि कर्जा है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो -3,089 करोड़ का, तकरीबन इस साल का जो थर्ड क्वार्टर तक का जो प्रॉफिट है अभी तक माइनस में है, 3,000 करोड़ माइनस में। और ईपीएस की भी बात की जाए तो ईपीएस भी देख सकते हो -1.23 का ईपीएस है, ईपीएस माइनस में है। कंपनी के जो सेल्स हो चुके हैं अभी थर्ड क्वार्टर तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18,065 करोड़ के टोटल सेल्स हो चुके कंपनी के अभी तक थे, मीन्स अब उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं हुआ येस बैंक लिमिटेड स्टॉक को। टोटल एसेट्स भी देख सकते हो 2,73,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है, प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है और एक साल में 18% से गिरावट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे की डिटेल की बात की जाए तो आगे की डिटेल देख सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स की भी बात है। प्रोज में देख सकते हो कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.98 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और कॉन्स में देखा जाए तो बहुत सारे चीजें हैं, जो कि पहला पॉइंट है कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत ही कम है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, पिछले 5 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दी है, तकरीबन एवरेजली देखा जाए तो 8.17% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है कंपनी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ही कम है, -23.25 एवरेजली पिछले 3 साल का। और कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटीज भी देख सकते हो, तकरीबन यहाँ पे 4,61,000 करोड़ के यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 3,196 करोड़, अदर इनकम जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा है बाकी बैंक के इनकम से। पेयर कंपैरिजन की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि HDFC बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख के ऊपर है, फिर आती है ICICI बैंक, बहुत अच्छे अच्छे बैंक से यहाँ पे आप देख सकते, फिर IDBI बैंक के नीचे येस बैंक लिमिटेड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू जो है 4,898 करोड़ दिसंबर 2020 क्वार्टर का देखा जाए तो, इंटरेस्ट भी यहाँ पे आप देख सकते 3,134 का था और एक्सपेंसेस 2,142 करोड़ का है।
मीन्स टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में चला गया है, तकरीबन पिछले क्वार्टर से भी रिकवर हो चुका है। जून क्वार्टर से भी सितंबर क्वार्टर का अच्छा था, रिकवरी था, और सितंबर क्वार्टर से भी यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का यहाँ पे रिकवरी था। मीन्स यहाँ पे रिकवर करते होते जा रहा है येस बैंक का। यहाँ पे आप देख सकते कि नेगेटिव व्यूज फाइनेंशियल प्रॉफिट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 56 करोड़ का था आधा इनकम के साथ, और जो नेट प्रॉफिट है 266 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ता हुआ नजर आया है, तकरीबन एक अच्छा नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और बाकी की चीजें प्रॉफिट एंड टैक्स की भी बातें की जाए तो टीटीएम के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटीएम और मार्च 2021 के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो रिसेंटली 3rd क्वार्टर के बाद जो यहाँ पे रेवेन्यू है 18,000 करोड़ का हो चुका है, मार्च 2021 में था 20,000 करोड़ का। अभी रिसेंटली देख सकते हो कि इंटरेस्ट भी 12,400 करोड़ का है, और एक्सपेंसेस भी देख सकते हो 12,984 करोड़ के है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है -7,319 करोड़ का है, और जो टोटल जो आधा इनकम के साथ जो प्रॉफिट है वो है 3,197 करोड़ का आधा इनकम। तो नेट प्रॉफिट कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस में आता है टैक्स लगा के -3,089 करोड़ का करंट ईयर का। मीन्स अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, पिछले ईयर से तो रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहा है येस बैंक लिमिटेड स्टॉक। तो पिछले 3 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में ही दिखाई दे रहा है येस बैंक लिमिटेड का प्रॉफिट। तो बाकी के डिटेल की भी बात किया तो यहाँ पे बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स भी देख सकते हो 2,73,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे टोटल एसेट से, और बाकी के नेट कैश फ्लो भी देख सकते हो मार्च 2021 में 20,000 के ऊपर था। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि मेन बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो 19% के ऊपर थी वो यहाँ पे अभी रिसेंटली 0 हो चुके है। एफआई की होल्डिंग भी देख सकते हो 40% से 8% पे आके रुकी है, और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की जो होल्डिंग थी 21% की वो तकरीबन 45% पे आके रुकी है। पर पब्लिक होल्डिंग जो बहुत ही कम थी तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 18% की थी, वो अभी रिसेंटली देख सकते हो 46% पे आके रुकी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी आप देख सकते हो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो ये भी लेटर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंड राइजिंग का जो लेटर है यस बैंक का वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको भी। और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की भी बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हो कि जो बॉटम है आप देख सकते हो कि डिमांड जोन, तो वहां पे आके रुका है यहाँ पे येस बैंक लिमिटेड स्टॉक कई दिनों से। यहाँ पे आप देख सकते हो गिरावट के बाद यहाँ पे सेम प्राइस से यहाँ पे आप देख सकते हो दो लेवल के बीच में ट्रेडिंग करा है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ही नीचे की 12.15 और ऊपर के 14.90 यानी कि 15 लेवल। तो पहले भी ये दो लेवल के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट होता था, फिर भी यहाँ पे उसके बाद भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था। तो करंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि चार्ट को जूम किया जाए तो यहाँ पे आप क्लियरली पता चलेगा आपको कैसे ट्रेडिंग हो रही है दो लेवल के बीच में। और 200 मूविंग एवरेज जो बहुत ही ऊपर है यहाँ पे आप देख सकते कि ब्लू कलर में जो कि 95 लेवल पे है। तो डेली चार्ट फ्रेम की भी बात किया तो डेली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन कैसे दो लेवल के बीच में ट्रेडिंग होती रही है येस बैंक लिमिटेड स्टॉक की। मीन्स ना ऊपर की लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ऊपर के लेवल को जैसे कि 15 लेवल को ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छा ब्रेकआउट, तो यहाँ पे बाइंग साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तकरीबन रिसेंटली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे एस बैंक का वो है कि 200 मूविंग एवरेज के साथ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है डेली चार्ट पे। मीन्स 200 मूविंग एवरेज को एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो 15 लेवल को भी ब्रेकआउट मिलता है तो और एक अच्छा शार्पनेस दिखाई दे सकता है येस बैंक लिमिटेड स्टॉक के अंदर। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग सेशंस अहेड।